डेढ़ महीने में एक ही लड़के को सांप ने 7 बार काटा। बचने को मौसी के घर पहुंचा, वहां भी आ गया। अभी 2 बार और बाकी, ये है पूरी कहानी। वो कहने लगता है कि मम्मी आज मेरी आंख फड़क रही और मेरा मतलब दिल घबरा रहा है, पता नहीं आज फिर मुझको काटे। और 2-3-4 घंटे पहले ही उसको आभास होता है और फिर वो काट लेता है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए एक दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात। वो कहता है कि मैं 9 बार काटूंगा, आपकी कोई भी ताकत, कोई भी भगवान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना आपको बचा नहीं पाएगा, मैं 9 बार आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, सपने में बोलता है। जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहां जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है, क्योंकि ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात लग रही है। अगर किसी को सांप काट लेता है तो ये बात आपके लिए बहुत सामान्य सी होगी, लेकिन तब क्या हो जब 1, 2 या 3 बार नहीं 7 बार एक ही लड़के को बार बार सांप काट रहा हो और एक ही दिन में वो लड़का ठीक भी हो जाता है। इतना ही नहीं, सांप ने सपने में आकर 2 बार और काटने की धमकी दी है और कहा है कि टोटल 9 बार काट के 9वीं बार अपने साथ ले जाऊंगा। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला, यहाँ के रहने वाले एक शख्स ने दावा किया कि उसे करीब 1.5 महीने में 7 बार सांप ने काटा और वो हर बार बच गया। शख्स का नाम है विकास दुबे। डॉक्टर समेत कई लोगों ने इस घटना पर आश्चर्य जताया। विकास ने इन घटनाओं को लेकर एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हर बार सांप के काटने से पहले उन्हें आभास होता है कि उस पर सांप हमला करने वाला है। विकास दुबे मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 महीने में 7 बार सांप उन्हें काट चुका है। जरा उनकी माँ और भाई से सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं पूरी घटनाक्रम को लेकर। बेटे को सांप बार बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? उसको 7 बार काट चुका है 1.25 महीने में। वो उसको आँख फड़कती उसको दिखाई देने समझ में आ जाता है कि मुझको आज सांप काटेगा। और क्या बात करता है, क्या कहता है, कोई सा आभास होता है? उसको ये आभास होता है। 2 बार उसने देखा है, पहली बार 2 जून को देखा, फिर हर संडे और सैटरडे को काटता है। वो कहने लगता है कि मम्मी आज मेरी आँख फड़क रही है और मेरा मतलब दिल घबरा रहा है, पता नहीं आज फिर मुझको काटेगा। और 2-3-4 घंटे पहले ही उसको आभास होता है और फिर वो काट लेता है। नहीं तो 4 बार तो यही घर पे काटा है, 2 बार चच्चू के यहाँ काटा, 1 बार मौसी के यहाँ काटा। इनको 2 जून को पहली बार सांप ने काटा था, इसके बाद इनको शनिवार सैटरडे हर बार ही सांप काटता था। इसके बाद हम लोग सोचने लगे कि अब इनको शनिवार सैटरडे ही सांप काटेगा, इसीलिए हम लोगों ने बालाजी नासिक जाने की तैयारी की। जैसे भी हम कहीं जाने या तीर्थ स्थल जाने की बात करते हैं तो सांप को पहले से आभास हो जाता है कि कहीं जाने वाले हैं। हम जैसे ही जाने का प्रयास करते हैं, हाँ ये बात उसको कहता है, उसको 40 दिन में 7 बार सांप ने काट चुका है। ऐसा कुछ दावा करता है, कितने बार काटेंगे? वो कहता है कि मैं 9 बार काटूंगा, आपकी कोई भी ताकत, कोई भी भगवान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना आपको बचा नहीं पाएगा, मैं 9वीं बार आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, सपने में बोलता है जी। पहली बार यही साइड में यहाँ पे काटा था सांप ने जी। ये मौसी के डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद घर में कुछ हो सकता है तो इसलिए उनको मौसी के यहाँ रखा गया था। मौसी के यहाँ गया तो सांप ने वहाँ भी उसको शिकार बना लिया।